भाईंदर में महिला चोरों का गैंग सक्रिय, देखिए किस प्रकार वारदात को अंजाम देते हैं। भाईंदर पूर्व के नौगा रोड पर मौजूद गुडविल कंपनी के ऑफिस में 2 जुलाई की सुबह तकरीबन 6:23 पर 2 महिला चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ऑफिस में लगे CCTV कैमरों में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। नवगर पुलिस CCTV की कैद महिला चोर की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में लगी हुई है। मीरा भाईंदर शहर के नागरिक इन दिनों चोरों और ठगों से काफ़ी परेशान हैं। आए दिन चोर और ठग शहर के किसी न किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नवगर पुलिस ने एक फर्जी CID अधिकारी को गिरफ्तार किया था, जिसने अपनी बातों में फंसाकर भाईंदर पूर्व के एक नागरिक से लाखों रुपए की ठगी की थी। मगर अब जो चोरी का मामला सामने आया वो काफ़ी हैरान करने वाला है। 2 जुलाई की सुबह 2 महिला चोर भीख मांगने का नाटक करते हुए नवघर रोड पर मौजूद गुडविल कंपनी के कार्यालय के नीचे आकर रुकी। एक महिला चोर आने जाने वाले पर नज़र रखने के लिए ऑफिस के नीचे खड़ी होकर भीख मांगने का दिखावा करती रही, तो वहीं उसकी सहयोगी महिला चोर दबे पांव ऑफिस के अंदर दाखिल होकर ऑफिस के टेबल पर रखे सोने के चैन, 2 अंगूठी, 1,00,000 कीमत का मोबाइल और ऑफिस की कुर्सी पर रखे पेंट को भी उठा ले गई। उसमें करीबन 47,000 रुपये मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मीरा भाईंदर। माझी इथं चोरी झाली, परवास सकाळचे पहाटेचे 6 ते 7:30 दरम्यान 2 महिला होती, एक वयस्कर बाई होती, ती खाली उभी राहून वॉच करत होती आणि एक तरुण मुलगी होती जे माझ्या ऑफिसात वरती आली आणि त्यांनी प्रयत्न केला ऑफिसचा दरवाजा खोलायचा आणि त्यात ते यशस्वी पण झाली आणि त्यांनी ऑफिसच्या आत येऊन माझे इथले काही सोना होतं, मोबाईल होते व माझे कागदपत्र होते, ती बॅग होती, ते सर्व बॅग घेऊन ती इथून पळाली। CCTV फुटेज बघताना तर असंच वाटतंय की हे लोक जे आहेत ते रस्त्यावर राहणारे जे असतात आणि रस्त्यावर उभे राहून सकाळी किंवा उशिरा जे लोकांकडे भीक मागण्याचे जे ड्रामे करतात ती अशी मंडळी आहेत। मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना सांगू इच्छितो की कृपा करून आपण असे कुठलेही लोकांना दया करू नका आणि आपले घरचे किंवा ऑफिसचे दरवाजे नीट बंद झालेले आहेत का नाही ते 2 वेळा नक्कीच पाहावं, जेणेकरून माझ्याबरोबर जशी घटना घडली ते तुमच्याबरोबर घडणार नाही।